तो यार आज ना मेरे पास क्रिकेट की चार अपडेट है, लेकिन सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलियन टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हरा दिया है और वो एक बार फिर बन चुके हैं वर्ल्ड चैंपियंस। यार वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलियन टीम, मतलब यार डिजर्व भी करते हैं। और साउथ अफ्रीका वालों एक बार फिर चोक कर गए, मतलब यार इनकी मेंस टीम भी चोक कर जाती है, इनकी विमेन्स टीम भी चोक कर जाती है, क्या ही कहें। मतलब चोक जैसा वर्ड कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यार मतलब जीतना चाहिए था। मैं सोच रहा था मतलब साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, लेकिन स्टिल मैं तो खुश हूँ, मेरी जो फेवरेट प्लेयर है वो ऑस्ट्रेलिया की थी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो आज की पहली अपडेट है वो है जसप्रीत बुमराह के बारे में, जिनके बारे में मतलब न्यूज ये निकल के आ रही है कि जसप्रीत बुमराह अब आईपीएल 2023 का पार्ट नहीं होने वाले हैं। उसके साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी वो बाहर हो चुके हैं। मतलब यार काइंड ऑफ सरप्राइजिंग तो नहीं था ये, क्योंकि मतलब उसे इंजरी जो हुई थी ना वो बहुत ज्यादा सीरियस है। शोएब अख्तर ने बहुत पहले ही बता दिया था, बताया कि जो इसका एक्शन है उसकी वजह से मतलब जसप्रीत बुमराह को फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उस टाइम मतलब किसी ने सीरियसली लिया नहीं, और अब बुमराह की हालत ये हो गई है कि हर एक सीरीज में उसे मतलब बाहर किया जा रहा है। और काइंड ऑफ गंदा भी लग रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह हमारा प्राइमरी बॉलर था। मैं तो देखना चाहता था यार, मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो मैं ऑब्वियसली उसे देखना चाहता था, भले ही आईपीएल में मैं उसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट जो है वो उसे वर्ल्ड कप के लिए रेडी करने में लगे हुए। लेकिन क्या आपको लगता है जसप्रीत बुमराह फिट हो पाएगा, मतलब जिस हिसाब से उसकी इंजरी होती जा रही है? ठीक है मतलब वो टाइम ले रहा है, लेकिन मैं सही बताऊं मुझे अब बुमराह से कोई भी होप नहीं है। मुझे नहीं लगता वो वर्ल्ड कप तक भी फिट होने वाला है। वो जो इंजरी है वो यार मतलब उसकी होती जा रही है, बताए तो ये जो पैटर्न दिख रहा है ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इसे देख के। आप लोग नीचे बताओ कि क्या मतलब जसप्रीत बुमराह को सीधे वर्ल्ड कप में उतारा जाना चाहिए। अब जो आज की दूसरी अपडेट है वो है मोहसिन खान की तरफ से, मतलब यार लखनऊ सुपर जायंट से खेलता है ये बंदा, आप लोगों को पता ही होगा। लास्ट सीजन इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा गया था, और सही बताऊं इंडियन टीम में ना मौका इसे मिल ही गया था। अगर इसे इंजरी नहीं हुई होती ना तो काइंड ऑफ इसका डेब्यू हो ही गया था, लेकिन बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट था मोहसिन खान, क्योंकि यार एक लेफ्ट आर्म बॉलर जो मतलब 140 से ज्यादा की स्पीड से बॉलिंग करा सकता है, डेथ ओवर में मतलब यार इतनी अच्छी बॉलिंग कराता है ये बंदा, तो यार मतलब ऐसे बॉलर्स की तो इंडिया को बहुत ही ज्यादा नीड है। अब सिंस जसप्रीत बुमराह मतलब यार इंजर्ड हो गया है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोहसिन खान टीम इंडिया में अपनी जगह बना पाएगा? मतलब देखो आईपीएल तो उसे खेलना ही पड़ेगा, आईपीएल के बाद की बात है, लेकिन मुझे लगता है अगर मोहसिन खान का आईपीएल बहुत ही ज्यादा अच्छा गया तो आप ना इसे मतलब यार टीम में देख सकते हो, और मैं इवन ये भी सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में शायद ये फीचर भी कर सकते हैं। देखो आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब यार वर्ल्ड कप की टीम फिक्स हो गई है, जैसे जसप्रीत बुमराह होगा एक बॉलर, एक मोहम्मद शमी होगा, दूसरा होगा मोहम्मद सिराज, लेकिन सही बताऊं एक बॉलर की जगह ना अभी भी बची हुई है। अब मान लो जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो गया, वो अगर वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाता है तो यार मोहसिन खान जैसा बॉलर हमें मतलब यार बहुत ज्यादा मदद दे सकता है। तो मुझे लगता है मोहसिन खान का चांस है, उसे बस एक आईपीएल अच्छा खेलना है। लेट्स सी मतलब यार मोहसिन खान वापसी करता है नहीं कर पाता है, या वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना पाता है नहीं बना पाता है, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ काश वो बना दे, क्योंकि यार अच्छा खासा बॉलर है सही में। हर्षदीप सिंह को तो ये वैसे भी मतलब यार ज्यादा मैच खिला नहीं रहे, लेफ्ट आर्म वो भी था लेकिन यार उसका यूज ज्यादा हो नहीं रहा है। तो मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हर्षदीप सिंह शायद इस टाइम पे कुछ स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, लेकिन आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप मतलब यार मोहसिन खान को देखना चाहोगे टीम इंडिया में। अब जो आज की तीसरी अपडेट है वो है हरभजन सिंह को लेकर, जिन्होंने मतलब यार टीम मैनेजमेंट को ना एक सजेशन दिया है। उनके अकॉर्डिंग जिस तरह मतलब हमारे पास दो फॉर्मेट्स के अलग अलग कैप्टन है, जैसे मतलब T20 में हार्दिक पंड्या करता है आजकल कैप्टनसी और ODI में रोहित शर्मा है, उसी तरह ना मतलब टीम मैनेजमेंट को दो कोच भी चाहिए, एक कोच जो मतलब T20 का होगा और एक कोच जो मतलब टेस्ट और ODI का होगा। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन सही बताऊं हरभजन सिंह का जो ये सजेशन है ना वो पता नहीं मुझे क्यों बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि यार राहुल द्रविड़ ना सही में मतलब ठीक है ODI और टेस्ट के लायक है, लेकिन सही बताऊं उनकी कोचिंग ना T20 में मुझे उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगती है। फिर चाहे वो सिलेक्शन ब्लंडर ही क्यों ना हो, T20 वर्ल्ड कप में हमने सिलेक्शन ब्लंडर देखे ही थे, मतलब ऐसे प्लेयर जो टेस्ट और ODI में खेलने चाहिए वो मतलब T20 की टीम में भी घुसे हुए थे, मतलब यार T20 लाइक के तो हमने बैटर चुने ही नहीं थे। तो मतलब यार ऐसा एक कोच होना चाहिए जो T20 फॉर्मेट को समझता हो, जैसे मतलब यार वीरेंद्र सहवाग हो गया या फिर आशीष नेहरा हो, अगर ये दोनों बन गए तो T20 का अच्छा ही है, मतलब ये दोनों समझते भी हैं यार। मतलब देखो आशीष नेहरा ने तो यार ऑब्वियसली गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाई दिया है, तो मतलब यार हार्दिक और आशीष नेहरा की ना एक जोड़ी बन भी रही है। तो मैं सही में मतलब यार हरभजन सिंह की इस बात से तो एग्री करता हूं। आप लोग नीचे बताओ कि क्या आप भी मतलब एग्री करते हो इस चीज से। अब आज की जो चौथी अपडेट है वो है सौरव गांगुली के बारे में, जिन्होंने मतलब आईपीएल के लिए अपने चार यंग सुपरस्टार चुन लिए। उन्होंने मतलब चार प्लेयर्स को चुना है जिनका नाम है पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड़, उमरान मलिक और शुभमन गिल। और मतलब यार ये चार के चार ना ऑब्वियसली इनके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। उमरान मलिक का तो मुझे लगता है कि टाइम यार
था पिछले सीजन में उसने करके भी दिखा दिया है। इस साल मैं उतना ज्यादा होप नहीं रख रहा हूँ उमरान मलिक से। यहाँ पर को मैं एक प्लेयर को रखना चाहता हूँ, रियान पराग, जो मतलब यार डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी मतलब गुवाहाटी में T20 लीग हो रही थी, वहां पर को भी उसने शतक जड़ दिया था। तो मैं ना मतलब यार रियान पराग को भी इस लिस्ट में एड करना चाहूंगा जो उन्होंने नहीं चुने। ऑब्वियसली बाकी के सारे प्लेयर्स तो यार मतलब डेफिनेटली अच्छे हैं, जैसे पृथ्वी शॉ हो गया, इससे तो मुझे बहुत ज्यादा होप है। मैं तो इसे यार मतलब टीम इंडिया की T20 टीम में भी देखना चाहता हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ जिसे भी मतलब यार टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रहा है, वो भी मतलब यार इस बार IPL में कुछ तो करना चाहेगा, क्योंकि यार सीट सबको बनानी है अपनी। तो देखते हैं मतलब क्या होता है। लेकिन हाँ, गिल से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन यार सही में मैं ना मतलब इन सबसे ज्यादा रियान पराग को लेके होपफुल हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस बार शायद रियान पराग चमक सकता है। मतलब यार ठीक है, मैंने मतलब अपनी पहली वीडियो जो बनाई थी वो रियान पराग को ट्रोल करते हुए बनाई थी, लेकिन मुझे इस बार लगता है कि रियान पराग सही में कुछ बड़ा कर सकता है। लेट्स सी मतलब क्या होता है। आप लोग नीचे बताओ कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मतलब यार IPL में इस बार चमक सकता है। तो आज की वीडियो बस इतनी है, होप आपको पसंद आई होगी।